वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास क्वेश्चन है बल्ब स्विचर एक्ट कोट का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में लाइक एन बल्ब्स गिवन होंगे ठीक है जो कि इनिशियली हमारे पास क्या वाले? होने वाले ऑफ होने वाले ठीक है तो लाइक like जैसे हमारे पास इसमें मल्टीपल राउंड्स होंगे मीन्स हम एन राउंड्स को ले सकते हैं ठीक है और लाइक like हमारा राउंड वन चल रहा है तो हमको हर एवरी वन बल्ब को हमको उसको जो लाइक जो उसका स्टेट मीन ऑफ है या ऑन है हमको उसका चेंज करना है मीन्स अगर अपन इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो लाइक इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास कितने तीन बल्ब दे रखे इन्होंने ठीक है जो कि इनिशियली क्या है तीनों के तीनों बल्ब हमारे पास ऑफ है ठीक है अब राउंड वन होगा तो हमको एवरी वन बल्ब को लाइक like जो भी स्टेज है उसका उसको चेंज करना मीन्स ऑफ ऑफ है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया ऑन कर दिया इसको इसको भी यहाँ पे ऑन कर दिया इसको भी ऑन कर दिया ठीक है अब राउंड टू जब होगा इन बल्ब्स का तब हमारे पास क्या करना है कि हमको एवरी सेकेंड बल्ब को चेंज करना है मीन्स हमारे पास लाइक like ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ ठीक है इसका स्टेज पहले ऑन था अब ऑफ हो गया अगर हमारे पास चौथा बल्ब एक और होता है यहाँ पे तो हम उसका स्टेज लाइक यहाँ पे अगर वो ऑन हुआ होता ठीक है ऑन हुआ यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ पे आके ऑफ़ कर देते ठीक है और लाइक अगर थर्ड नंबर पे तो हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास तीसरा बल्ब होगा लाइक ये बल्ब हुआ हमारे पास वन ये हुआ टू ये हुआ थ्री तो हम इसका जो प्रीवियस स्टेटस स्टे था उससे चेंज कर दें मीन्स ऑन था तो हमने इसको ऑफ कर दिया अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्थ होता ठीक है फोर्थ वाला बल्ब हमारा क्या हो गया ऑफ हो गया तो हम इसको ऑफ ही रहने देते ठीक है फाइव होता जो उसका स्टेटस था वो और यहाँ पे सिक्स बल्ब होता ठीक है तो जो इसका प्रीवियस स्टेटस था हम इसका उल्टा स्टेटस कर देते ठीक है और ये हो गया इसके बाद हम लास्ट में क्या करने वाले होंगे हमको ये बताना कि अगर हमने तीन राउंड करे हैं तीन राउंड के बाद हमारे पास कितने बल्ब ऑन रहे ठीक है हमको बताना रिटर्न द नंबर ऑफ बल्ब दैट्स आर ऑन आफ्टर द एन राउंड्स ठीक है तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन की बात अब बात करते हैं सॉल्यूशन की ठीक है हम इसकी सबसे बेसिक अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक like, क्वेश्चन में गिवन क्या होने वाला है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा यहाँ पे एन करके ठीक है तो मींस हमारे पास क्या वाले? होने वाले हैं एन बल्ब्स होने वाले हैं जिनको अपने को स्टेटस उनका चेंज करना है तो अपन एक जो सबसे बड़ी बेसिक अप्रोच हो सकती है हमारी हम क्या करें कि यहाँ पे एक एरे बनाएं ठीक है लाइक हमारे पास तीन बल्ब का एरे ठीक है हमने ये बना दिया ठीक है अब इसके बाद हम एक लूप करें ठीक है लाइक like हमारे पास राउंड वन हुआ तो अपने पास जो भी इसके अंदर जितने बल्ब हैं उनको वन वन स्टेस बाई उनका स्टेटस को चेंज करें फिर राउंड टू हो तो अगेन स्टेटस चेंज करें फिर राउंड थ्री हो तो हम अगेन स्टेटस चेंज करें एंड देन लास्ट में हम बता दें रिटर्न कर दें कि क्या होने वाला है ठीक है तो मीन्स हमको कितने राउंड तक चलाना पड़ेगा हमको उसको चलाना पड़ेगा वन टू एन तक ठीक है फिर उसके बाद जितने हमारे पास बल्ब है कितने बल्ब है एन बल्ब है तो हमको वन से लेके एन बल्बस को स्टेटस इनका चेंज करना है ठीक है तो इट मीन्स अगर हम इस अप्रोच पे वर्क करते तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली वो काफ़ी बड़ी हो सकती है कि एन स्क्वायर हो सकता है ठीक है और मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस अप्रोच को फॉलो करो बट ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि होता है कि जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको लोग जज नहीं कर पाते सो पहले यह अप्रोच से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बट इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी काफी ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो इसलिए यह अप्रोच हमारी सुटेबल नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है हमारे पास लाइक like गिवन में क्या है हमको यहाँ पे एन गिवन है ठीक है तो एन अगर इक्वल टू वन होता है तो इट मीन्स हमारे पास कितने बल्ब है वन बल्ब है ठीक है हमको कितने राउंड तक देखना है वन राउंड तक देखना है तो मुझे पता है कि लाइक like मेरे पास कितना वन आएगा ठीक है अगर मेरे पास अगर टू है ठीक है मुझे दो राउंड तक जाना है मीन्स यहाँ तक जाना है अगर देखो इसमें कितने बल्ब है मेरे पास जालू बचते हैं वन बजता है एंड थ्री मैं देखता हूं तो मेरे पास कुछ वन बचता है ठीक है तो हमको ये पता है कि लाइक ये क्वेश्चन हमारा किससे मैथ से रिलेटेड है और मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं अपन उसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले फाइंड कर लो कि ये किस टाइप की सीरीज को फॉर्म कर रहा है ठीक है मीन्स लाइक अगर अपन देखते हैं तो स्टार्टिंग के तीनों के तीनों इसमें वन आए ठीक है और इन केस अगर यहाँ पे एक और बल्ब होता तो इनिशियली वो यहाँ पे ऑन हुआ होता ठीक है यहाँ पे जाके वो ऑफ होता ठीक है यहाँ पे वो ऑफ का ऑफ रहता और राउंड फोर चालू होता तो ये ऑन यहाँ पे एजेट इज आता ठीक है ये ऑफ एज एट इज रहता ये ऑफ एज एट इज़ रहता और यहाँ पे जाके बल्ब ऑन हो जाता मीन्स जो हमारे पास फोर अगर एन इजिकल टू फोर होता तो हमको कितना टू मिलने वाले थे ठीक है तो इस टाइप की हमारी कुछ सीरीज बन रही होगी अपन इस पूरी की पूरी सीरीज को फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो लाइक हमको इस सीरीज को कहाँ तक फाइंड करना चाहिए तो आई मेरा जो सजेशन होगा इसके अंदर कि आप अप टू ट्वेंटी तक इसमें जो भी सीरीज होने वाली है उसको फाइंड कर लो ठीक है अगर आप ट्वेंटी तक भी फाइंड नहीं करते मतलब ट्वेंटी तक फाइंडिंग की ट्राई करो उसके बीच में ही आपको पता है ना सीरीज बनने लग जाएगी आपकी मीन्स आपको लगने लग जाएगा कि अच्छा ये ये प्रोसेस यहाँ से रिपीट हो रही है ये प्रोसेस वहाँ से रिपीट हो रही है ऐसे करके चलने लग जाएगा ठीक है तो रही बात कि हम सीरीज़ को कैसे फाइंड आउट करें ठीक है तो फर्स्ट आई जस्ट क्लियर माई स्क्रीन एंड तो हमारे पास जो ये कोड का टेम्पलेट दिया है ठीक है इसमें हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास इसमें रिटर्न टाइप है इंट ठीक है तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया जीरो ठीक है और देन जो मेरे पास लाइक like, यहाँ पे कंसोल के अंदर जाना है मुझे ठीक है इस कंसोल के अंदर जो मेरे पास टेस्ट केसेस होंगे उन टेस्ट केसेस को मैं नंबर चेंज कर देता हूँ लाइक मैंने फोर नंबर तक का तो देख लिया था फाइव देख लेता हूँ uh, सिक्स हो जाएगा ठीक है सेवन हो जाएगा ठीक है यहां पे मेरा एट हो जाएगा यहां पे नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ सबमिट करता हूं ठीक है अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक सीरीज बन के आएगी यहाँ पे कि लाइक मेरे को जब लाइक आ, मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ओ शिट मैंने इसको आई थिंक सबमिट कर दिया मुझे सबमिट नहीं करना था मुझे इसके टेस्ट केसेस रन करने थे ठीक है तो मैंने गलती से सबमिट पे क्लिक कर दिया ठीक है तो मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट केस है मीन्स कि मेरे पास जब लाइक like, यहाँ पे होता है क्या फ़ाइव होता है ठीक है फाइव पे मेरे पास क्या आ रहा था फाइव पे मेरा जो आ, होने वाला है वो क्या होगा आ, लाइक like, फाइव पे मेरा होने वाला है टू ठीक है सिक्स पे भी मेरा टू सेवन पे टू एट uh, पे टू नाइन पे जाते हैं हम तो कितना बन रहा है थ्री बन रहा है ठीक है टेन पे गए थ्री एलेवन पे गए थ्री एंड ट्वेल्व पे गए थ्री ठीक है तो हमने कितने बारह नंबर तक इसको टेस्ट किया अगर हम इसको और आगे तक चेक करेंगे तो हमारे पास लाइक like, कुछ इस टाइप की सीरीज हो जाएगी लाइक like, मैं आप लिख देता हूँ कि मीन्स अगर मैं इसको सिक्सटीन नंबर तक चेक करता हूँ लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टूवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ठीक है तो वन पे वन हुआ टू पे भी वन हुआ थ्री पे भी मेरा वन हुआ फोर पे जब गए थे हम टू फाइव पे टू सिक्स पे टू सेवन पे टू और एट पे टू नाइन पे थ्री और यहाँ सिक्सटीन पे जाके होता है फोर ठीक है बाकी यहाँ तक ये थ्री थ्री, थ्री 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 चलता रहेगा ठीक है, है तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात ठीक है अब इस सीरीज़ के अंदर देखो कि हमारे पास जो नंबर होने वाला था नंबर कहाँ पे जाके चेंज हो रहा है हमारा ठीक है अगर हम हाँ नंबर के चेंज होने की देखते हैं तो हमारे पास पहली बार जब नंबर, नंबर चेंज हुआ था वो तो हुआ था हमारा फोर पे ठीक है दूसरी बार हमारा नंबर चेंज हुआ था एट नाइन पे ठीक है तीसरी बार हमारा नंबर चेंज हुआ था सिक्सटीन पे अब जो नेक्स्ट बार हमारा नंबर चेंज होगा वो कहाँ पे हो रहा होगा वो हो रहा होगा ट्वेंटी फाइव पे कितना फाइव बन रहा होगा ठीक है थर्टी सिक्स पे वो कितना बन रहा होगा सिक्स बन रहा होगा ठीक है तो लाइक मुझे इस सीरीज़ को देख के पता चल गया कि जो भी मेरे पास लाइक परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है परफेक्ट स्क्वायर है वहाँ पे जाके मेरा नंबर चेंज होता है ठीक है तो लाइक अगर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे लाइक फोर का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो कितना बन निकलता है टू निकलता है यहाँ पे अगर मैं सिक्सटीन का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो फोर बनता है या नाइन पे निकालता हूँ तो मेरे पास कितना बनता है समथिंग थ्री बनता है ठीक है तो मीस मुझे इन सारे नंबर्स का क्या देख लू स्क्वायर रूट देख लूँ लाइक like अगर अपन वन का स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो वन का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट वन ही होता है ठीक है लाइक टू का स्क्वायर रूट देखें तो हमारे पास कुछ वन पॉइंट समथिंग कुछ होता है थ्री का भी वन पॉइंट समथिंग कुछ आता है फाइव का टू पॉइंट समथिंग सिक्स का लाइक like ऐसे ऐसे चलता रहता है और नाइन पे जाके वो परफेक्ट हमारे पास नंबर आता है ठीक है लाइक सिक्सटीन पे जाके परफेक्ट होता है तो इट मीन्स कि हमको बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में हम हमारे पास जो भी ये एन गिवन होगा इस एन का अपने को क्या निकाल लेना है स्क्वायर रूट निकाल लेना है ठीक है एंड देन वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो लाइक like हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चीज़ क्या देखी कि हम क्या कर ले मैथ्स का क्वेश्चन है ये हमको पता चला ठीक है उसके बाद हम क्या कर ले इसके अंदर एक सीरीज़ बना ले ठीक है कि मतलब हमारे नंबर कैसे कैसे वर्क करेंगे लाइक like कि हमारे पास अप टू कहाँ तक सीरीज़ देख लो कि अगर हम देखते तो हमारे पास अप टू ट्वेंटी नंबर्स देख लो कि हमारे पास लाइक अप टू बीस नंबर तक कहाँ होंगे मतलब 20 नंबर भी क्या कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ना तो 20 नंबर तक देखोगे तो आप इजीली उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि होने वाला क्या है 20 नंबर के पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लोगे ठीक है तो हमारे पास कुछ इस टाइप की सीरीज बनी ठीक है हमने इसमें देखा कि लाइक मेरे पास जो नंबर है वो कहाँ पे एक बार फोर पे चेंज हुआ एक बार नाइन पे चेंज हुआ एक बार सिक्सटीन पे चेंज हुआ और जो भी नंबर चेंज हुआ ये क्या था मेरे पास एक रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर था ठीक है और परफेक्ट स्क्वायर लाइक टू का था यहाँ पे फोर का था ठीक है तो इस टाइप से हुआ और फिर इन सारे नंबर्स का देखो हम अगर स्क्वायर रूट निकालते तो हमारे पास क्या बन रहा होगा पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो अपन उसका क्या कर ले लेंगे उसका अपन सिर्फ इंट ले लेंगे मतलब पॉइंट वाली वैल्यू उसको अपन हटा देंगे ठीक है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए कर लेते हैं इसको कोड में तो फर्स्ट क्लियर आउट करा यहाँ से ठीक है यहाँ पे जाना है हमको यहाँ से रिटर्न करना है मैथ डॉट एस क्यू आर टी ठीक है और इसमें भेज देना है इस एन को ठीक है एंड देन इस कोड को रन कर लो मैथ डॉट एन ठीक है ठीक है हमारे पास ये रिटर्न डबल कर रहा होगा लाइक हमको इसको किस में इंट में कन्वर्ट करना है यहाँ पे ठीक है इंट में कन्वर्ट हो गया कर दो अगेन रन ठीक है तीनों जितने केसेस हमने बनाए थे सब रन हो गए अब कर दो सबमिट तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है ठीक है तो लाइक अगर अपन इसके टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं तो हमारा जो टाइम एंड स्पेस क्या होगा तो लाइक हमारे इसमें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है ठीक है तो स्पेस तो हमारा देखते से क्या हो जाता है कि स्पेस तो हमारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है ठीक है अब बात करते हैं कि जो ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट है ये हमारी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है तो ये हमारा प्रीडिफाइन फंक्शन है तो हमको लाइक like जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली वो होती है लॉग एन करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ठीक है तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन उम्मीद है कि आपको हमारा ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा फिर मिलता है किसी और वीडियो साथ तब तक के लिए बाय